हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, ये फरवरी महीना है एंड फरवरी महीना मतलब प्यार का महीना या फिर रिलेशनशिप का महीना। रिलेशनशिप वो चीज़ है जो कि आपके लाइफ के अंदर मकसद डालता है, जो कि एहसास कराता है कि प्यार क्या है। एक रिलेशनशिप जब होता है तो ये तीन चीज आपको सिखाता है या तीन चीज आपके अंदर है वो चेक कर लेता है कि आप कितना प्रॉब्लम हैंडलिंग कर सकते हो, दूसरा कितना आप पेशेंस हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, कितना पेशेंस आप रख पाते हो, तीसरा कितना स्ट्रेचेबल हो रिलेशनशिप के अंदर, स्ट्रेचेबल रहना भी जरूरी है। जब भी आप रिलेशनशिप पे जाओगे ये तीनों चीज आपके अंदर चेक जरूर होगा। जहाँ पर ये जेंजी लोगों के लिए प्यार और रिलेशनशिप का मतलब ही कुछ अलग है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड और आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड इसी के साथ जो प्रॉब्लम आता है कि दे हैव नॉट पेशेंस, दे अनेबल टू हैंडल देयर प्रॉब्लम, जो कि उनकी रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आता है उसको हैंडल नहीं कर पाता है एंड द लास्ट ऑप्शन इज जो रहता है वो है ब्रेकअप, ब्रेकअप एंड ब्रेकअप। So, जो जेंजी लोग ये प्रॉब्लम या पेशेंस कुछ नहीं है जिसको हैंडल नहीं कर पाता है, दे वॉन्ट्स टू फाइंड समथिंग, जहाँ पर ये लोग अभी AI के ऊपर दौड़ भाग कर रहे हैं। Yes, आपने सही सुना, AI के ऊपर ये भाग रहे हैं। अभी तो लाइफ का हर एक जो प्रॉब्लम है हम जाकर AI से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा या कैसे सॉल्व किया जा सकता है। AI भी दिन के दिन एडवांस हो रहा है, जहाँ पर इसके अंदर इमोशन डाला जा रहा है, फीलिंग्स डाला जा रहे हैं एंड वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगा है। सो करेंटली फोर्ब्स के अंदर एक रिपोर्ट निकला है जहाँ पर देखा जा रहा है गूगल के अंदर जो टॉप 50 कॉमन सर्च टर्म्स है उस पर जब एक गूगल AI टूल से सर्च किया गया तो देखा गया कि ऑन एन एवरेज हर महीने 73,000 प्लस सर्च किया जा रहा है AI गर्लफ्रेंड बॉट के लिए। दूसरा एक और वेबसाइट है जिसका नाम worldstream.com, इसके द्वारा भी बताया गया है ऑन एन एवरेज हर महीने 9,000 प्लस सर्च किया जा रहा है AI गर्लफ्रेंड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से इंडिया के अंदर AI गर्लफ्रेंड या फिर AI रिलेशनशिप के बारे में ऑन एन एवरेज 2400% इसके ऊपर हाइक देखा गया है। सो AI इज कॉमनली यूज इन आवर लाइफ फॉर नॉर्मल टास्क, बट करेंटली AI अभी रिलेशनशिप के अंदर भी जा रहा है जहाँ पर ह्यूमन्स आर गोइंग फॉर AI गर्लफ्रेंड इन देयर लाइफ। ऐसी एक मूवी आया था जो कि 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था जिसका नाम है हर, जहां पर आप अगर उसको देखोगे तो बताया गया है एक इंसान कैसे AI के ऊपर प्यार करना शुरू करता है एंड उसके साथ उनका लाइफ जो है कैसे बिल्ट अप होता है। आप चाहे तो जाकर Amazon Prime के अंदर इस मूवी को देख सकते हो। आई डोंट नो कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा इन नियर फ्यूचर, आई डोंट नो कि AI रिलेशनशिप अच्छा है या नॉर्मल रिलेशनशिप अच्छा है। मेरा काम था ये इन्फॉर्मेशन आप तक ले आने का एंड नाउ आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा चीज आपके लिए बेटर है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स योर प्रायोरिटी, इज इट AI गर्लफ्रेंड और अ रियल गर्लफ्रेंड। सभी के साथ प्यार बांटते रहिए एंड प्यार बरकरार रखिए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स। बाय बाय।